मंगलवार 25 जनवरी को टाउन हॉल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यहां चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के साथ नौ मतदाताओं को इम्पिक कार्ड भी बांटे गए। एसडीएम ने बताया, मतदाताओं को और अधिक जागरूक बनाने और उन्हें मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद के साथ देश भर में मतदान दिवस मनाया जाता है। खासकर जो मतदाता पहली बार वोटर हैं या जिनके नाम अब तक वोटर लिस्ट में नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि हर एक वोट देश की तरक्की के लिए जरूरी होता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल्य है। आज मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहाँ वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ। हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया था जब भारत आज़ाद हुआ। वोट देने का यह अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की नींव उस वक्त और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपने वोटर कार्ड आपके लिए मुस्कुराते हुए जब भी मतदान के लिए बेहद ही सब्र के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मतदाता दिवस का कार्यक्रम होता है आयोग की तौर से। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो 18 वर्ष के नए मतदाता हैं उनको मतदान का महत्व और लोकतंत्र का महत्व बताना, क्योंकि वो पहली बार अपना मतों का उपयोग करते हैं। उनको जागरूक करना और उन्हें समझाना, इसी उद्देश्य के कारण से ये बनाया जाता है। लोगों कारण से अभी ये बनाया गया। और सबसे एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खरगोन जिले में सबसे ज़्यादा मतदाता जुड़े हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी माननीय और माननीय राज्यपाल जी भी पुरस्कृत कर रहे हैं खरगोन से। एडिशनल कलेक्टर महोदय भी वहाँ भोपाल में गए। यहाँ लोगों का सम्मान भी किया, कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, जो चुनाव में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, लगातार जो लगे रहते हैं चुनाव के कार्य में, उन लोगों को आज पुरस्कृत भी किया है, उन लोगों का सम्मान भी किया। और नए जो वोटर हैं उनको आज इम्पिक कार्ड भी दिया है और एक मार्गदर्शी का एक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।